join me? जिस तरह से हमने हमारे गांव से बाल मजदूरी और बाल विवाह की समाप्ति की है, उसी तरह हम पूरी दुनिया में समाप्त करना चाहते हैं। सब आगे क्या करना है? तो एक स्टार्ट किया, ये तो अभी हमारी शुरुआत थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई के साथ और शहरों में भी आगे, और दूसरे इलाकों में भी आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे? जी हाँ जी, हमारे जो बाल मित्र ग्राम ये चल राजस्थान, पूरे राजस्थान में ही चल रहा है, तो इसमें सब हम बच्चे ही मिलके जल्द। इस मंच पर खड़े होने का जो मुझे गौरव हासिल हुआ है, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इस पुरस्कार और सम्मान के लिए मैं बिल और मेलिंडा गेट्स को दिल से आभारी हूँ। आज जब मुझे यह सम्मान मिल रहा है, मेरे जहन में उन हजारों बच्चों की तस्वीरें तैर रही हैं जिनका आज भी बाल विवाह हो रहा है। मेरे गुरु भाई साहब जी श्रीमान कैलाश सत्यार्थी और भाभी जी श्रीमती सुमिदा कैलाश ने मुझे बाल मित्र समाज के निर्माण दिश हमें कार्य करने का मौका प्रदान किया। हिसला से और न्यूयॉर्क तक का मेरा यह सफर उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। आज उनको मेरे सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ मैं अपने माता पिता और उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस कार्य में मेरा समर्थन किया। मैं भारत के राज्य राजस्थान के हिसला गांव से आती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, वो मजदूरी करते हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुँह तक नहीं देखा। ये बात अलग है कि आज उनकी बेटी बचपन बचाओ आंदोलन की पहल के कारण ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। यह मेरे जैसे बच्चों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। बाल अधिकारों की प्राप्ति और सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने अपने गांव में बाल सरपंच के रूप में खूब परिश्रम किया। मैंने अपना बाल विवाह तो रोका ही, साथ में अपने गांव में हो रहे बच्चियों के बाल विवाह को भी रोका। और आज मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि मेरे गांव में एक भी बाल विवाह नहीं होता। इसी के साथ मैंने अपने गांव में बाल विवाह व बाल मजदूरी मुक्त गांव का निर्माण कराने में मदद की। मैं सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने अपने गांव में रैलियां, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन किया। बड़े बुजुर्गों को और माता पिताओं को घंटों बैठ करके समझाया और तब जाकर यह मेरे गांव में संभव हो पाया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बाल अधिकारों के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए अपील करती हूँ। आज आप और हम बच्चों के लिए जो भी कदम बढ़ाएंगे, वो बच्चों के लिए सुरक्षित एवं शिक्षित दुनिया का निर्माण करेगी। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया न कि वर्तमान पीढ़ी के लिए होगी, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होगी। हर एक युवा देश को बदल सकता है, लेकिन बात